हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिद्दी वर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक एक नियम पे सवाल बनाना सीखेंगे। एक एक नियम को अंग्रेजी में यूनिटरी मेथड बोला जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में है, यदि एक केजी चीनी का मूल्य 40 रुपया हो तो 50 ग्राम चीनी का मूल्य निकाले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है एक केजी चीनी का मूल्य कितना है, 40 रुपया है, तो हमें 50 ग्राम चीनी का मूल्य निकालना है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वेट। वेट का मतलब क्या हुआ, वजन, या फिर आप इसको भार भी बोल सकते हो। वजन का मतलब भार होता है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे दाम। दाम को आप मूल्य भी बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है वेट, तो वेट का मतलब होता है वजन। तो यहाँ पे एक केजी चीनी का मूल्य दिया गया है 40 रुपया, तो यहाँ पे चीनी का वजन कितना है, एक केजी। तो वेट की जगह पे हम एक केजी लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक केजी। और एक केजी चीनी का मूल्य कितना है, 40 रुपया, तो दाम की जगह पे हम लिखेंगे 40 रुपया। अब इसके बाद में एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे कि अब हमें 50 ग्राम चीनी का मूल्य निकालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए केजी में चीनी का मूल्य दिया गया है, लेकिन हमें ग्राम में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि एक केजी है, तो इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक केजी लिखा है, तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम यहाँ पे लिखेंगे, एक केजी या 1000 ग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपया ही होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1000 ग्राम एक केजी के बराबर होता है, तो इन दोनों का मूल्य भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 1000 ग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपया है, तो हम 1 ग्राम चीनी का मूल्य निकाल लेंगे। जब हम 1 ग्राम चीनी का मूल्य निकाल लेंगे, तो 50 ग्राम चीनी का मूल्य आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम 1 ग्राम चीनी का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 40 बटा 1000 रुपया, ये रुपया में होगा यहाँ पे। अब 1 ग्राम चीनी का मूल्य कितना हो गया, 40 बटा 1000 रुपया। इसको हम कट भी कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो अब हम 50 ग्राम का आसानी से निकाल लेंगे। तो 50 ग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 बटा 1000 रुपया 1 ग्राम चीनी का मूल्य है, तो 50 से गुना कर देंगे इसमें, तो 50 ग्राम का आसानी से निकल जाएगा। तो 40 बट्टा 1000 गुना 50, तो यहाँ पे देखिए 40 बट्टा 1000 गुना 50 है, तो 50 से ये 1000 कट जाएगा, 50 दुना 100 और एक जीरो बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जीरो, तो ये 20 हो जाएगा। 50 से ये 1000 20 बार में कट जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है, तो 20 से 40 भी कट जाएगा, 20 दुना 40, तो कितना आ गया, 50 ग्राम चीनी का मूल्य 2 रुपया। तो हम आसानी से बता सकते हैं, यदि 1 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपया होगा, तो 50 ग्राम चीनी का मूल्य कितना हो गया, 2 रुपया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में है, यदि 8 गेंदों की कीमत 640 रुपया हो तो 5 गेंदों का मूल्य निकाले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। तो 8 गेंदों की कीमत कितना रुपया दिया है, 640 रुपया, तो हम इसको यहाँ पे नोट करेंगे। चूँकि 8 गेंदों का मूल्य कितना रुपया दिया है, 640 रुपया है, तो हमें मालूम क्या करना है, 5 गेंदों का मूल्य मालूम करना है। तो फ्रेंड्स, यदि हम 1 गेंद का मूल्य निकाल लेंगे, तो 5 गेंद का मूल्य आसानी से निकल जाएगा। तो 8 गेंदों का मूल्य कितना है, 640 रुपया है, तो 1 गेंद का मूल्य आसानी से यहाँ पे निकल जाएगा। इसलिए 1
गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 640 रुपया है, तो 640 बटा में यहाँ पे जो वस्तु की संख्या है, जैसे कि यहाँ पे वस्तु क्या है हमारा, गेंद है, तो गेंद की संख्या यहाँ पे कितनी दी गई है, 8, तो यहाँ पे हम 8 नोट करेंगे, तो 640 बटा 8 रुपया हो जाएगा। इसको हम काट भी सकते हैं, ये 8 से कट जाएगा, 8 से ये 8 बार में 64 और यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो लगाएंगे, तो कितना रुपया आ गया, 80 रुपया। मीन्स एक गेंद का मूल्य कितना रुपया आ गया, 80 रुपया। तो हम आसानी से 5 गेंद का निकाल लेंगे, तो एक गेंद का 80 रुपया है, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा, 80 से 5 में गुना कर देंगे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 5 गेंदों का मूल्य, या फिर कीमत भी इसको बोल सकते हैं, बराबर, एक गेंद का 80 रुपया है तो 5 गेंद का हो जाएगा 5 गुना 80 रुपया। तो 5 से 80 में गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 और एक जीरो यहाँ पे है तो एक जीरो, 400 रुपया। तो फ्रेंड्स आप आसानी से बता सकते हो, यदि 8 गेंदों की कीमत 640 रुपया है, तो 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 400 रुपया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।